हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MS के व्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं उरन में और एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ है माजिद भाई, इनके कुछ बकरे हम आपको दिखाएंगे अभी वन बाय वन, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो में भी अच्छी क्वालिटी के बकरे देखने को मिलेंगे। एक चीज़ तो मैं बोलूँगा गाइस कि मुंबई से इतना दूर उरन में भी काफ़ी अच्छा शौक हो रहा है माशाल्लाह, ठीक है। आज पूरा दिन मैंने पतीरा का अच्छा खासा कलेक्शन जगहों पे हर जगह पे देखा। अभी यहाँ पे बोर है, कोटा है, तो ये भी अच्छी क्वालिटी में माशाल्लाह। इनकी डिटेल्स लेंगे हम लोग माजिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई उरन में एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है हम लोग माजिद भाई? उरन में एकदम सेंटर में राजपाल नाके पे। राजपाल नाका बोलते हैं इस जगह को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके हाथ में दो बोर है, इनके बारे में कुछ बताए डिटेल्स। भाई दोनों बोर ना छः छः दांत पे और इनका अभी इसका वजन आएगा अपना 80 to 85 पकड़ तक बीच में। ओके, और ये भी ये 8 दांत कर चुका है, 8 दांत चालू है समझो। ओके, दोनों जोड़ी में है या अलग अलग है? अलग अलग, ऐसा किसी को चाहिए पर्सनली तो दे सकते। ओके, ज़्यादातर तो जोड़ी का मेरा है इरादा। अच्छा, सो 8-8 दांत, ये 8 दांत पर है, ये कितने दांत पर है? दोनों 8-8 ही कर रहे हैं, दोनों 8-8 पे। इसका वेट क्या है? इसका वेट आ जाएगा 70 to 75। ये आप वेट करा हुआ बता रहे हो या अंदाजा बता रहे हो? अप्रॉक्स बता रहा, एकदम एग्जैक्ट वेट चाहिए तो वो भी करके मिल जाएगा। लास्ट टाइम आपने कब वेट किया था? ये समझो 1 महीने पहले। तो ये जो वेट आप बता रहे हो ये 1 महीने पहले का बता रहे हो, है ना? ठीक है, 1 महीना। ओके, तो अभी ये दो कोटा बकरे हैं यहाँ पर आपके पास, इसकी भी डिटेल्स दे दीजिए प्लीज़। फिर लास्ट में हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। 8 दांत पे, ये भी 8 दांत पर है, ठीक है। 38-39 हाइट है। ओके, 75 के जी, ये भी 1-1.5 महीने पुराना वेट बता रहे हो? ये सब एक साथ ही किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बताइए। ये भाई 3 दांत कर रहा है, 37 हाइट है, ये 55 kg तक का अच्छा है माइट, मतलब बकरा अच्छा है माशाल्लाह। तीसरा दांत कर रहा है ये, 37 हाइट है इसकी, 55 kg होगा। ये आप जो बकरे दिखा रहे हो ये आपने साल भर पाले है या फिर? मेरा फार्म है, मैं साल भर पालता हूँ जानवर। एक बार ऐसा, क्या नाम है आपके फार्म का? MJ गोट्स करके इंस्टा पे भी है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। सो यहीं पर कहीं पर आपका फार्म सेटअप भी है क्या? हाँ, मेरा उरन में था, मैंने शिफ्ट किया उसको। ये ठीक है, ये क्या डिटेल में है? ये 8 दांत का वाइट आइज में है, 70-75 kg वेट का है। 70-75 kg वेट और 8 दांत कर चुका है। खुर वगैरह अगर कोई बोले करवर कटे नहीं, कटिंग करके चाहिए हो तो दे दोगे? क्योंकि खुर बढ़ गए ना बकरों की, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे इनकी प्राइसिंग की। माजिद भाई क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? भाई इसका तो मेरा ऐसा 60 का चला है, 60,000। थोड़ा 19-20 कर दूंगा उसमें, नेगोशिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के जोड़ी भाई 1-10 बोल रहा हूँ, उसमें भी नेगोशिएबल है। जोड़ी का 1-10 बोल रहे हो आप? अगर कोई सिंगल लेगा तो? सिंगल लेगा तो वो हिसाब से उसको रेट बोलेंगे। ठीक ठीक चलेगा। ओके ओके, इसका 45 मांग रहे हैं, थोड़ा नेगोशिएबल है। 45 इसका मांग रहे हो? हाँ। नेगोशिएट होगा ये, ठीक है। और ये? और इसका 28 मांग रहे हैं। 28। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से आप कहाँ तक प्रोवाइड करवा सकते हो? ऑल ओवर इंडिया करवा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सामने आ रहा है। हाँ, वो तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है यहाँ से, है ना? ठीक है। सो ये 5 बकरे हैं। आपका फार्म है जैसा कि आपने बताया, तो फार्म पे बकरे वगैरह पलाई वगैरह पे भी रखते हो क्या? नहीं, पलाई सिस्टम में मतलब कस्टमर की डिमांड रहती है, कान नहीं कटना चाहिए वगैरह, लेकिन जानवर तो होता है ना, तो मैं पलाई का एक बार ऐसा हो गया मसला, वो सबसे नहीं रखता हूँ। अच्छा, सो अभी आपके पास कोई पलाई नहीं है, ये आपके खुद के बकरे हैं, आपके तैयार किए हुए बकरे हैं और ये आप अभी सेल कर रहे हो, ठीक है। जो भी प्राइस इन्होंने बताया उसमें स्लाइडली नेगोशिएट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से मुंबई के लिए काफ़ी ईजी है, फेरी के थ्रू चले जाते हैं बकरे और बहुत कम टाइम लगता है, पैसा भी कम लगता है, है ना? और ऑल ओवर इंडिया यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ठीक है। सो नंबर स्क्रीन के ऊपर आप ही का देना है माजिद भाई, एक बार नंबर आप बोल दीजिए फिर मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। 9930745483, ठीक है। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं यही नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, आप लोग इनसे कॉल करें, यहाँ आके देखें, पसंद करें, उसके बाद सौदा करें, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।